कि हम यूएन को उनके जो ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं उनको प्रो पीपल जो वॉइस है जो कश्मीरी आवाम की आवाज है वो मौकफ देने आए थे, वो कि हमें यूएन से भी कोई ज्यादा तवक्कोआत नहीं है। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे सलूक किया गया, जो जी चार आदमी जो आते हैं उनका मेमोरेंडम लिया जाता है, दो आदमी लाते हैं उनका मेमोरेंडम लिया जाता है। आज हकीकी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, हमारा मेमोरेंडम नहीं लिया गया। ये कहा गया ये पाकिस्तानी फोर्सेस के नरगे में यूएन के ऑब्जर्वर बिठाए गए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि यूएन के ऑब्जर्वरों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजो, वहां जाके अपने ऑफिस बनाए, इन बैरकों से बाहर निकालो, इन फौजी कंट्रोल से बाहर निकालो ताकि आम आदमी की आवाज सुन सके। हाँ हमें पता है हमारा मेमोरेंडम क्यों नहीं लिया गया, इसलिए कि जो मेमोरेंडम यहाँ पेश किया जाता है वो मेमोरेंडम चार बार स्क्रीनिंग होता है, चार बार उसको पढ़ा जाता है, फिर अपने मतलब की बातें डाल के बताऊं, ये तुम्हारे अकेले रियासत के उस तरफ भारत के जो अकेले थे वो भी नाकाम हो चुके हैं, इस तरफ भी नाकाम होंगे। कश्मीरी अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएंगे, ना तकसीम मानेंगे ना जो है वो कंप्रोमाइज करेंगे, बिलाखिर तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। कंप्रोमाइज।